हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस पर कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूं। जैसे कि बिटमार्ट के ऊपर मैंने आपको कई सारे एयर ड्रॉप्स लाए हैं, इसी के साथ NFTs भी मिले हैं, ऐसे NFTs जिसके साथ आपको NFT होने पर इनकम मिलने वाली है या फिर उससे आप नए कॉइन्स को अर्न कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने कभी भी मिस नहीं किया है कि जो भी बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पैड या फिर लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट आता है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट करके क्या है कि हमें फ्री में कॉइन्स मिल रहे हैं। पिछला प्रोजेक्ट जो आया था वो सिर्फ 3 दिन का आया था, जिसकी वजह से मैं मिस कर दिया था, लेकिन इस बार नया प्रोजेक्ट आ रहा है। 10 घंटे का भी टाइम बाकी है, फार्मिंग पीरियड शुरू होने वाला है जो कि 10 दिन का होगा, और अभी आपके पास समय है कि आप यहाँ पे स्टे करके अर्न कर सकते हैं। यानी कि अर्न तो क्या हम बोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको कॉइन्स ये मिलने वाले हैं। तो बाइनेंस के ऊपर कौन सा लॉन्च पैड प्रोजेक्ट आया है ये आपको बताऊंगा, और अर्न कैसे करना है, एंड डेफिनेटली ये वाला प्रोजेक्ट भी 1000x तक का प्रॉफिट भी दे सकता है, जैसे कि पिछले प्रोजेक्ट्स ने दिया है। बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स हमें मिले हैं इन्हीं फ्री कॉइन्स के द्वारा, और यही कॉइन्स जब हमें फ्री में मिलते हैं इनको हम अच्छे प्राइस में सेल भी कर पाएंगे। इससे पहले हमने मानता कॉइन लिया था, AI कॉइन लिया था, XAI कॉइन लिया था, कई सारे कॉइन्स बिल्कुल फ्री में लिए, और अभी फिर से नया प्रोजेक्ट है तो इसको मिस मत करना, किसी भी हाल में मिस मत करना। तो ये कैसे आपने अर्न करना है ये आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ्ड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं। अभी मोस्ट रीसेंट अपडेट भी आप चेक कर सकते हैं जो कि बिटमार्ट की है, वहाँ पे आपको रेफरल लिंक मिल जाएगा। साइन अप करते UID आप नीचे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के, या फिर आप हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही कर सकते हैं, जहाँ पे आपको $10 का एयरड्रॉप मिलने वाला है। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन आज के वीडियो में हम बाइनेंस की बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि BTC का प्राइस $45,000 से ऊपर चल रहा है, इसी के साथ साथ इथेरियम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, $2,400-2,500 तक चल रहा है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि फियर एंड ग्रीन इंडेक्स चल रहा है लगभग 59-60 के आसपास, यानी कि 60 के आसपास चल रहा है, 59-60 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे चांसेस ये हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल चल रहा है और इतना कोई ग्रीड आया नहीं है, लेकिन ये ग्रीड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ग्रीड बहुत ज़्यादा होने वाला है यहाँ पे। इसका इंडिकेशन आपको यहीं से मिल जाएगा कि मार्केट कैप अगर $1.7 trillion से ऊपर चल रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ऑर्डर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और करने वाले भी हैं। और पिछले 24 घंटे के अंदर ओवरऑल जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी जो ट्रेडिंग है 24 आवर का वॉल्यूम जो है वो 40% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसका साफ साफ इंडिकेशन यही मिल रहा है कि सारे ऑल्टकॉइन्स परफॉर्म कर रहे हैं, ऑल्ट सीजन चल रहा है। BTC चाहे $40,000 से लेकर $45,000 के बीच में चलता रहे, लेकिन हमारा मकसद है ऑल्टकॉइन से अर्न करना। तो वो आप देख सकते हैं ऑलरेडी BNB अच्छा चल रहा है, सोलाना अच्छा चल रहा है, तो ऐसे ही जो भी ऑल्टकॉइन नया मार्केट में उतरेगा वो भी हमें डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। इसी के साथ आपको बता दूं कि बाइनेंस के ऊपर चाहे कई सारे एक्शन चल रहे हैं, चाहे इंडिया में चल रहे हैं, US में चल रहे हैं, आप बाइनेंस का देखोगे ट्रेडिंग वॉल्यूम 13.9 यानी कि $14 billion के आसपास चल रहा है। ये ट्रेडिंग वॉल्यूम 8-9 billion के आसपास रह गया था, इससे भी नीचे गया था पिछले कुछ समय के अंदर, लेकिन अभी इतना बड़ा वॉल्यूम है कि इसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट है Coinbase एक्सचेंज, उसके ऊपर सिर्फ $2.2 billion है। तो आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट ट्रेड किया जा रहा है बाइनेंस के ऊपर। तो इसका रीजन मैंने आपको पहले भी बताया था, वैसे तो ऑड सीजन चल रहा है, ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो लॉन्च पैड आता है, लॉन्च पूल प्रोजेक्ट आता है, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, जैसे कि BNB की स्टेकिंग काफी ज्यादा चल रही है, FTST की, TUSD की है, तो ऐसे ऑड कॉइंस की जो स्टेकिंग है वो करी जा रही है बाइनेंस के ऊपर। इतना बड़ा अमाउंट जब स्टेक होगा बाइनेंस के पूल्स के ऊपर, तो डेफिनेटली बाइनेंस का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ने वाला है और BNB और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। यही कारण है कि BNB आप देख सकते हो कि अभी ये $300-$320 के आसपास चल रहा है। तो यस, इस बार टाइम हमारे पास अभी बाकी है, जो कि 9 घंटे का समय दिखा रहा है सामने, आप देख सकते हैं टाइम अंटिल फार्मिंग स्टार्ट्स, लेकिन शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो टाइम या तो खत्म हो चुका होगा या फिर फार्मिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी। तो फार्मिंग को मिस मत करना, आपने यहाँ पे फार्मिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये पिक्सल प्रोजेक्ट है, पिक्सल के नाम से प्रोजेक्ट है, जो कि सोशल Web3 गेम है, जो कि रॉनी नेटवर्क के ऊपर बिल्ड करी है। रॉनी नेटवर्क की बहुत अच्छी हाई बनी हुई थी पिछले कुछ दिनों के अंदर, और अगर हम इसकी वेबसाइट देखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे एक्सप्लोर अ न्यू टाइप ऑफ गेम प्ले, तो यहाँ पे लिखा है प्ले फॉर फ्री, इसके साथ है अर्न रिवॉर्ड्स एंड बिल्ड योर ओन वर्ल्ड, यानी कि ये प्रमोट कर रहे हैं गेमिंग को, प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसी गेमिंग या फिर ऐसे गेमिंग प्रोजेक्ट काफ़ी सारे आने वाले हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आप देखोगे इसके पीछे OpenSea भी है, तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसके इन्वेस्टर्स भी हैं, पार्टनर्स काफ़ी सारे हैं। एंड अगर बाइनेंस के ऊपर आ रहे हो तो डेफिनेटली इससे ऊपर और कोई चीज़ हो भी नहीं सकती। और पिक्सल के नाम से प्रोजेक्ट है, पिक्सल के नाम से कॉइन भी है, तो पिक्सल अपने आप में सुनने में भी एक अच्छा वर्ड लग रहा है, यानी कि अच्छा ही एक कॉइन लग रहा है कि जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो पहले हमें बाइनेंस के ऊपर 3 ऑप्शंस मिलते थे, अभी इस बार जो ऑप्शंस मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 मिले हैं, जिसमें BNB पूल है और FDUSD पूल है। तो ये लॉन्च पूल आपको मिलेगा कहाँ पे? आपने जैसे ही बाइनेंस खोला उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा लॉन्च पूल, या फिर आप सर्च के ऊपर क्लिक करके सीधा लॉन्च पूल सर्च भी करते हैं तो भी आ जाएगा, वरना आप लॉन्च पैड भी ढूंढ लेते हैं तो लॉन्च पैड के ऊपर क्लिक करके भी लॉन्च पूल का प्रोजेक्ट ही आने वाला है। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है, अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर दें, मैं आपको थोड़ा डायरेक्ट भी कर दूंगा कि कैसे ये करना है।
तो जैसे आप लॉन्च पूल के ऊपर क्लिक करोगे आपको पिक्सल का प्रोजेक्ट दिखेगा। तो इसके ऊपर आपको दो पूल्स भी दिखने वाले हैं, बीएनबी पूल और एफडीयूएसडी पूल। तो यहाँ पे लगभग 280 मिलियन पिक्सल का रिवॉर्ड है जो कि बीएनबी पूल के लिए रखा गया है। तो आपने कुछ नहीं करना, आपके पास जितने भी बीएनबीज पड़े हैं चाहे किसी और एक्सचेंज के ऊपर पड़े हैं किसी वॉलेट के ऊपर पड़े हैं उनको आपने बाइनेंस के ऊपर लेकर आना है। बाइनेंस के ऊपर आ जाएंगे तो बाइनेंस के ऊपर आपने स्टेक कर देना है। तो स्टेक करते ही यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, अगर तो ये स्टेक रहने वाले हैं तो इसके ऊपर जो अर्निंग है वो चलती रहेगी, यानी कि जो आपके रिवॉर्ड्स हैं वो बनते रहेंगे पिक्सल में, यानी कि पिक्सल के कॉइन में। तो अपने पिक्सल्स को आप कभी भी रिवॉर्ड को क्लेम कर पाएंगे। अगर आप क्लेम नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसी फार्मिंग एंड होगी जो कि 10 दिन के बाद होगी तो अपने आप ये आपके स्पॉट वॉलेट में चले जाएंगे। यानी कि इस चीज़ को लेकर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेन चीज़ यहाँ पे जो नोटिस करने वाली वो यही है कि अगर आपके पास ये पहले पिक्सल पड़े हैं तो आप इनको जैसी लिस्ट होगा पिक्सल लिस्ट होगा बाइनेंस के ऊपर तो आप इसको सडनली ट्रेड भी कर पाओगे, क्योंकि सडनली जब भी लिस्टिंग होती है तो प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है, आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे और उससे आप एक हाई प्राइस पे सेल भी कर पाओगे। एंड दूसरी चीज़ ये कि अगर आप स्टेक कर लेते हैं, स्टेक करने के बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है बीएनबी की तो आप इसको रिडीम भी कभी भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने जो बीएनबीज हैं उनको स्टेक करके रखने या फिर आपने पूरे स्टेक करके रखना है, कभी भी जितना भी चाहो उतना आप रिडीम कर सकते हैं। रिडीम करके क्या है, रिडीम के ऊपर क्लिक करते ही ये अमाउंट चला जाएगा आपके स्पॉट वॉलेट में, उसको आप चाहे विड्रॉ करो चाहे सेल करो कुछ भी कर सकते हैं आप। और अगर आप रिडीम नहीं भी करते हैं तो ये भी आप चीज़ नोटिस करिए, जो भी अमाउंट स्टेक्ड है ये अपने आप फार्मिंग खत्म होते ही आपके स्पॉट वॉलेट में चला जाएगा। तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना स्टेक करो और यहाँ पे अपने जो रिवॉर्ड्स हैं उनको क्लेम करते रहो। नहीं भी करोगे तब भी आपके वॉलेट में जाएगा, और स्टेक जो है वो रिडीम नहीं भी करोगे तब भी आपके वॉलेट में जाने वाला है। सिमिलर ही चीज़ एफटीएसडी में है। तो आपके पास अगर यूएसडीटी पड़ा है या फिर अगर कोई और स्टेबल कॉइन पड़ा है तो उसको आपने एफडीएसडी में कन्वर्ट कर लेना है, कन्वर्ट करके यहाँ पे पूल में लगा देना है। अगर आपके पास टीयूएसडी पड़ा है, कोई भी स्टेबल कॉइन पड़ा है, यानी कि आपने क्या करना है उसको सेल करके एफडीएसडी खरीद लेना है। एफडीएसडी खरीदते ही यहाँ पे आपने स्टेक कर देना है, स्टेक करके आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों पूल से आप यहाँ पे रिवॉर्ड अर्न कर पाएंगे। एंड डेफिनेटली पिक्सल के नाम का जो प्रोजेक्ट है ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाला है। और 10 दिन की फार्मिंग है, पहले क्या था कि 2 दिन 4 दिन या फिर 7 दिन की फार्मिंग आई थी जिसकी वजह से हमारी ज़्यादा अर्निंग ही नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार 10 दिन में मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत बड़ा अमाउंट हम यहाँ पे अर्न कर पाएंगे जो कि टोटली फ्री में रहने वाला है और उसको अच्छे प्राइस पे सेल भी कर पाएंगे। तो यही था हमारे आज इस लॉन्च पूल के वीडियो में। लेकिन अगर आपको कोई डाउट है कि शायद बाइनेंस बंद तो नहीं हो जाएगा, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बाइनेंस इस तरीके से या फिर इतनी जल्दी एकदम बंद हो जाएगा। बाइनेंस बंद नहीं होने वाला। अगर आपके पास बाइनेंस है तो उसको एक्सेस कर लो, नहीं खुल रहा तो वेबसाइट के द्वारा एक्सेस कर लो। बाइनेंस है तो क्रिप्टो है, क्योंकि बाइनेंस के ऊपर ट्रेडिंग वॉल्यूम आपको मैंने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया कि $14 बिलियन इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो, जो कि 24 आवर्स का है। और टॉप रेटेड एक्सचेंज भी यही रहने वाला है। और इसकी जो बीएनबी है, अगर इतना बुरा हाल होता तो इसका जो बीएनबी है वो भी नीचे गिरना था, यानी कि बीएनबी का प्राइस भी नीचे जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो स्टिल यू कैन ट्रस्ट बाइनेंस। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर हो सकता है कि इसके ऊपर TDS लगना शुरू हो जाए, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लग नहीं रहा। जितनी देर TDS को कम नहीं किया जाता शायद उतनी देर TDS लागू नहीं किया जाएगा फॉरेन के एक्सचेंजेस के ऊपर। तो आज का हमारा वीडियो इतना ही, लेकिन कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करो एंड हमारा टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लो वॉचफुड ऑफिशियल। और इसी के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।